इतना सारा सामान साफ करने में हमें जो मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सेकेंड डे है और कल हमने देखा था जितना भी पेंट हुआ था कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब बबार्ड लाई सी करी थी। तो आज हमें उनको बताना है कि अच्छे से करो इसको, भले टाइम लग जाए, क्योंकि प्रॉपर वे में नहीं होगा तो बहुत गंदा सा लगता है। तो वो सब देखते हैं अभी आके वो लोग क्या कहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अभी आज मौसम भी थोड़ा धूप नहीं हो रही है और थोड़ा ख़राब ख़राब सा लग रहा है, और बारिश ना हो बस, और तो जो भी है। क्योंकि सामान अभी, वैसे तो हमने रात को सारा सामान अंदर शिफ्ट कर दिया था, कुछ कुछ बाहर छोड़ा था जिसमें हमने पॉली डाल के पूरा कवर कर दिया था उसको, लेकिन फिर भी अगर बारिश वगैरह होती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखते हैं आज कितना होता है आगे को। सेकेंड डे स्टार्ट हो गया, हमने फिर से अभी अर्जुन का रूम भी पूरा खाली कर दिया है, वो अलमारी खिसकानी है और ये टीवी स्टैंड को हटाना है यहाँ से। बेड में भी, बेड भी हटाएंगे, टीवी स्टैंड भी, और सिर्फ अलमारी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद सारा सामान फिर से राहुल के रूम में शिफ्ट हो गया है, बहुत ही बुरी कंडीशन में, बहुत ही भरा पड़ा है तो अंदर घुसने की भी जगह नहीं। और मेरे को इन सब के बीच जो मिला है वो मेरी पुरानी आर्ट मिली है। एक ये शिवा पार्वती वाला बनाया था मैंने 2017, इसमें डेट भी पड़ी 18/3/2017। और ये बनाया था मैंने, ये भी 2017 की है, मेरे कॉलेज टाइम की, तब मैं एमएससी में थी। और एक ये बनाया था तब मैं सीख रही थी नया नया। और एक ये मैंने अपने इंस्टाग्राम उसमें भी डाले थे, जो बिजनेस वाला अकाउंट है। और एक ये बनाया था, और एक मैंने राहुल का पोर्ट्रेट बनाया था, ये मैंने 2019 में बनाया था जब मैं दिल्ली में थी, तब बनाए थे। और बहुत सारे बनाए थे, एक अर्जुन का भी बनाया था, तब मेरी फिनिशिंग भी बहुत बेकार सी थी क्योंकि ये बेकार से लग रहा है, ये भी 2019 में बनाया था। और ये मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि ये भी मैंने 2017 बनाया था, काफ़ी बड़ा था उस टाइम पे, तो बिल्कुल ऐसे ही हल्का फुल्का ही आता था, मेरे को ढंग से आता नहीं था। तो ये मैंने फ्रेम कराने की सोची थी, लेकिन अब इसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गया, अब मैं सोचू कि इसको मैं एक अच्छे से उसमें बना के फिर फ्रेम कराऊंगी। तो आज मेरे को पूरा सफाई करने में ये सब मिला था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था इनको देख के, ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन है अभी फिलहाल, ऐसे रख देती हूँ। तो सफाई का इतना हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है पूरा, इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ी, पीछे पूरे रूम भरे पड़े, हालत इतनी बुरी हो रही है। और मैंने मम्मी की कुर्ती पहनी है क्योंकि मैं यहाँ पे अचानक से रुकी, मेरा कोई प्लान नहीं था, इसलिए मैं कपड़े भी लेके नहीं आई थी, इसलिए मैं ऐसे झोले जैसे पहन के घूम रही हूँ। और सफाई करते करते बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जो बाहर हमने सामान रखा है, ये इतना बड़ा झोला दिख रहा है, तो मैं इतना बड़ा कबाड़ मेरे पीछे, तो इसको हमने पूरा अच्छे से छाट के इसमें से अच्छी चीज़ें रखनी है उमा के रूम में, जो कि अभी शाम तक में भी रेडी हो जाएगा, और बाकी का कबाड़ हमने फेंकने के लिए तैयार रखना है। मौसम ऐसा खतरनाक हो रहा है, ये धुंध सी भी हो रही है, बारिश आने वाला हो रहा है, और ये भी काट गोदाम साइड को तो आ भी गया होगा। मम्मी ने पर्दे वगैरह धो दिए उमा के रूम के, तो अभी देखते हैं बारिश आने से पहले पहले हम इस बड़े से थैले को इसको हमने सही करना है, और इसमें से काम की चीज़ें निकाल ली हैं तो वो सब कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या करना है, क्योंकि राहुल के रूम पे बहुत ज़्यादा सामान है तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती अभी, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, एक तो दो रूम खाली कर दें तो उसका सारा सामान एक ही रूम में डाल दिया राहुल के में, तो अभी फ़िलहाल हम इसको करते हैं सही, ठीक है। तो इसमें से कूड़ा कबाड़ छांटते हैं तब तक के लिए, फिर जब इसमें से हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट वाला करेंगे। एक और ड्राइंग नोटबुक मिली मेरे को, एवं प्रैक्टिस के लिए लाई थी, जिसके पेपर A4 शीट से भी ज़्यादा पतले हैं, तो मेरी ना पहले आदत थी हर नोटबुक में, ऐसे में पहले अपना नाम लिखती थी यहाँ पे, और इसमें भी मैंने बना रखा है, तब मैं डेट नहीं डालती थी, लेकिन बहुत पुरानी है। ये मैंने ब्रेव मूवी देखी थी उसमें से बनाई थी, ये उमा बनाई थी मैंने, उमा की एक फोटो थी जो कि बिल्कुल उसकी जैसी नहीं थी, और ये मेरा ही था आउटलाइन बस, ये ऐसी बनाया था मैं, बचपन जैसी ड्राइंग लग रही थी ये मैंने खुद को बनाया था, कहीं से नहीं लग रही जो कि मैं दीपिका पादुकोण ठीक है एंडो से लगी थी। साहब आज कितने टाइम बाद मिली है, इतनी पुरानी ये पता नहीं क्या बना के मैंने, और मैंने एक छोटी ही हर ड्राइंग बनाई है, क्योंकि ये भी मैंने खुद को बनाया था, कहीं से नहीं लग रही जो कि बहुत सारी हैं इसमें।
बहुत सारी बनाई है और अब मैं इसमें कंटिन्यू करूँगी अपना वो मतलब प्रैक्टिस वर्क। और इतना कबाड़ा पूरा हमने वो कर दिया है, अभी देखते हैं पूरा कबाड़ा इतना ज़्यादा हो रहा है। इस बड़ी वाली पेटी में सारा सामान डालते हैं और छोटी वाली पेटी को खाली कर रहे हैं, जो भी है इसमें से मिला है काफ़ी कुछ इतना कबाड़ा है इसमें भी। और फिर बाकी हालत हो गया बहुत ही ख़राब, तो अभी बहुत सारा काम बचा है और उमाकर ऊंचा है लगभग हो चुका है कम्प्लीट। अब सूखेगा तो उसमें आज तो डाल नहीं सकते हैं और अर्जुन वाला हो रहा है। तो अभी इन्होंने लिया है ब्रेक और ना हो गया इसका शायद उल्टी छत इन्होंने कंप्लीट कर दी अर्जुन के रूम की। और यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर लगा दिया है और जितना जितना नीचे पूरा ख़राब हो रहा था यहाँ पे इन्होंने पूरा पुट्टी वगैरह लगा के अच्छे से उसको कवर कर लिया है। और यहाँ स्विच बोर्ड में भी बहुत बेकार हो रहा था, यहाँ पे पूरा गैप हो रहा था, वो भी कवर कर लिया है। तो ये अभी हटाया नहीं हमने और अभी सिर्फ ऊपर ही ऊपर कर रखा है इन्होंने। और इसका रूम कंप्लीट हो चुका है आई थिंक पूरा, हाँ ये कंप्लीट हो गया है, ये पूरा ठीक कर दिया इन्होंने क्योंकि कल अलग अलग कलर हो रहे थे, ये पूरा सही हो गया है। और बेड हमने यहाँ खिसका दिया, ये वाला भी खिसका दिया क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं था। कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट अच्छे से हो रही है उसमें। और यहाँ वॉशरूम वगैरह में भी सब में हो गया, स्टोर रूम में भी हो गया है, अलमीरा में भी हो गया है, मतलब यहाँ पे टोटली कंप्लीट हो चुका है। अभी बस आज सूखेगा तो फिर उसके बाद हम इसको फिर यहाँ पे सामान थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी होगा नहीं क्योंकि हम दिन भर भी लगे रहेंगे ना, तो ये पूरी सफाई अभी बची है मतलब सॉरी इतना काम कर लिया कि कुछ भी बोल दे रही हूँ मैं। और ये सारा अभी ये पूरा हटाना पड़ेगा, इसके लिए दिक्कत ही है भाई साहब। और ये चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी, यहाँ कहीं कहीं पे पेंट के छींटे से पड़े हैं, ये ना बाद में बहुत बेकार लगते हैं, तो ये बताने पड़ेंगे इनको कि इनको सही कर दो। और एक यहाँ पे इसने ड्राइंग बनाई थी, ये कलर बहुत डार्क हो रहा है, मिटा नहीं बोल रहे थे। तो ये हो गया है और फिर बचा है इसका रूम इतना सारा सामान साफ करने में हमें जो मिला समधी जी मिले हमें, समधी जी, समधन जी पता नहीं कहाँ है, ये मेरी शादी में समधन जी है, समधन जी मेरी हल्दी के जेवर देख रही है, सोने के थे जो और ये समधी जी मिले हैं, इनकी पगड़ी देखो कितनी शानदार पगड़ी आई थी, पलकें देखो समधी जी की, डबल डबल आईब्रो देखो भाई इतना सारा कबाड़ फैला रखा है, असली कबाड़ी तो आज मैं ही हो रही हूँ बिल्कुल कितने रुपए किलो बेचो इनको चूड़ी ले रहा है, माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है। इसके कमरे में हो गया है कलर और ऊपर साइड बचा है और इधर का कंप्लीट हो चुका है, सही है। ये मम्मी का सामान सारना हो रहा है अभी, अंदर बाहर भी हो रहा है। अब कल जो है बीच वाले पोर्शन में होगा और इसमें लगभग कंप्लीट हो चुका है। और येलो तो कंप्लीट हो ही गया था, बस ये ऊपर इन्होंने डबल अलग अलग कलर कर दिया था तो वो हमने बोल दिया है, और जो फिनिशिंग नहीं हो रही होगी वो सही करेंगे। इधर ये भी कंप्लीट कर दिया फिनिशिंग वगैरह, और इसमें अभी डबल शेड दिख रहा है, ये कहना पड़ेगा कल सही करने के लिए क्योंकि प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ रही है इसमें, तो अभी लगेगा शायद कल का दिन इसमें लगेगा, और बाकी हो ही गया लगभग। और सामान बहुत बिखरा पड़ा है हमारा, और ये यहाँ भी ऐसे हाल हो रहे हैं पूरा क्योंकि ये चीज़ अंदर एडजस्ट नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने बाहर ही रखी है। और इस रूम का भी लगभग हो चुका है, वैसे काम कर करके हालत भी बहुत बुरी हो रही है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। पीता भी गायब हो गया है तब से तब से आज सब